चुका है अब शर्त के मुताबिक लिख माय बूट्स ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है फिरंगी मनु गिरना नहीं गिराना है मनु गिरना नहीं गिराना है गोरों को हराना है इस देश से भगाना है देश से दूर भगाना है हाँ मनु गिरना नहीं गिराना है इन गोरों को हराना है तो तुम अभी गिरा नहीं गिरना तो तुम्हें है आओ मैदान में अच्छा तो अब तुम गिरने के काबिल भी नहीं रहेगा जय भवानी 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 शाबाश बिटिया अब के किराए के चुड़े ससुरे को खेलने में भी मक्कारी फिरंगियों हे भगवान काश झांसी को ऐसी रानी मिल जाए गुस्ताखी माफ कीजिएगा हुजूर चौसर में आप हमसे नहीं जीत सकते
हारते भी हैं तो जीतने के लिए मोटिवेट। छोकरी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जॉर्ज, हम उसे बाद में निपट लेंगे। अब यहाँ निकल चलने में ही समझदारी है। अभी से कहो, चरण छुए उसने। अरे, अरे यार ये तो भाग रहे हैं। अरे, सुनो, अरे सुनो, 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 अरे भाग रहे हैं। तुम लोगों ने लगाई थी और तुम हार चुके हो। So what? हट जाओ रास्ते से। नहीं। You bloody Indian! Yeah! मैं तो तुम सब इंडियन एक जैसे लगते हो, गुलाम। श्रीमान साहब, जाने दीजिए इन फिरंगियों को। ताता गुरु, जो खेल हमने कभी खेला ही नहीं, उस खेल में हमारी मनु ने इन फिरंगियों को हराया है। शर्त ये थी कि अगर ये हार जाएंगे तो ये हमारी। रहने दीजिए श्रीमान साहब, इनकी ये पुरानी आदत है, ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसी तरह इन फिरंगियों ने धीरे धीरे करके हमारी हिंदुस्तानी रियासतों को हड़प लिया है। जाने दीजिए इन्हें। जाओ फिरंगियों, जाओ। नहीं ताते गुरु, नहीं ताते गुरु, इन लोगों ने हमारे बूढ़े बाबा की पगड़ी उछाली है और फिर अपने ही खेल में शर्त लगाई, लेकिन जीते हम। अब इन्हें शर्त के मुताबिक हमारे बाबा से माफी मांगनी होगी और अपने ही हाथों से वही पगड़ी उनके सर पर रखनी होगी। हे लड़की, हट जाओ रास्ते से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ, रखनी पड़ेगी पगड़ी, पगड़ी रखो, पगड़ी रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, रखनी। पड़ेगी,
छोड़ूंगा नहीं। धन्य हो बिटिया, आज पहली बार इस बूढ़े का ऐसा सम्मान कराए हो, धन्य हो गए। कसम भगवान की बिटिया, जो नाग तुम्हारे दिल में भरी है ना, वो अगर हम सबके दिल में भर जाए तो इन तिरंगीन का भाग्य का मौका ना मिले। चलो मनु, श्रीमंत सरकार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हर हर महादेव, 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 बिटिया, बिटिया, मनु, मनु बिटिया। हुजूर, इस कनीज को रुखसत होने की इजाजत दीजिए। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। हुजूर, ये नाचीज आप ही की रैयत में बसती है, रियाया है आपकी। आप जब भी हुक्म करेंगे हमें हाजिर होना ही पड़ेगा। नहीं मोती भाई, ये आदेश नहीं, ये प्रार्थना है। आपके प्रशंसक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि आप हमारी नाट्यशाला में शामिल हो जाएं और हमारे अगले नाटक में शकुंतला की मुख्य भूमिका निभाएं। हुजूर, इस नाचीज को सोचने का मौका तो दीजिए। हमारी तरफ से आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किंतु अगर आपने इनकार किया तो झांसी के राजा के स्वाभिमान को ठेस अवश्य पहुंचेगी। हुजूर, हम भी उस परवरदिगार से यही दुआ करेंगे कि झांसी के राजा की खुददारी को ठेस ना पहुंचे। खुदा हाफिज। बिल्कुल ठीक है, अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो इन फिरंगियों की हिम्मत जो हम सब पे हुकूम चला सके। हाँ भैया, ये लड़की ने तो आज कमाल कर दिया। कोई भी अपनी जगह से हिलने का नहीं। What happened, Mr. George? Game khelna hi tha to apne barabar walon se khelte. In party Indians ke saath khele aur woh bhi haar gaya. Shame on us. बताओ कौन थी वो छोकरी? ये तो हम नहीं जाना साहेब कि वो कौन थी। बोला चून थी, उस टाइम साक्षात दुर्गा मैया का रूप धरे। Shut up! परंतु तुम लोगों को तो उनका खेल मालूम भी नहीं था, फिर भी हमारी मनु जीत गई। सरकार, जीत तो हमारे नाना साहब भी जाते हैं, तो इन गोरों की धूर्तता तो आप जानते हैं।
जैसे ही वो हारने को हुए उन्होंने पीछे से शीशा चमका दिया। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी इन दूर गोरों को। देखो कितनी बुरी तरह से घायल किया है मन्नू को। इसके घाव तो भर जाएंगे जाऊ भाई, लेकिन इसके कारण उन गोरों को जो घाव मिले हैं वो नासूर बनकर हमें बर्बाद कर देंगे। तो क्या मैं उन्हें अत्याचार करते देखती रहती? मैंने ये नहीं कहा मन्नू कि उस वक्त तुमने गलत काम किया था, लेकिन उनके मुंह पे जो हार का तमाचा पड़ा है उसकी गूंज का अंदाजा नहीं है तुम्हें। वो चुप नहीं रहेंगे। बहनी साहब, मनु ने तो गर्व से हमारा सर ऊंचा कर दिया। सर ऊंचा नहीं कर दिया बल्कि समस्याएं और बढ़ा दी है श्रीमंत सरकार। विश्वास न हो तो इससे पूछिए, ये मन्नू कैदियों को ले जाते गोरे अफसर से उसका चाबुक छीन के उससे लड़ने पे उतारू हो गई थी, फिर भागकर मेले में गई और दूसरे अंग्रेजों के साथ झगड़ा मोड़ लिया। ये सब अपमान वो क्या भूल जाएंगे? वैनी साहब, इन धूर्त गोरों को तो हमें परेशान करने का बहाना चाहिए। अगर मन्नू हार भी जाती तब भी यही कह के हमें ललकारते कि हमसे मुकाबला करने का साहस कैसे किया। वाह जाऊ भाई, सब जानते हुए भी इसी का पक्ष ले रही हो। इसे जो करना था करा। हम यहाँ इंदु का रिश्ता तय करने आए थे, अब देखना इन धूर्त गोरों की आफत टूटेगी हम पर भी और यहाँ की भोली जनता पर भी।